अगर तुम यहाँ माफी मांगने आई हो तो बहुत देर हो चुकी है। जो मिसेस विल्दान ने मेरे साथ किया उन्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। ज़ैनब, मैं यहाँ अपनी मॉम के लिए माफी मांगने नहीं आई हूँ। तो क्या तुम मुझसे वापस जाने की भीख मांगने आई हो? मैं ये नहीं चाहती कि तुम वापस आओ। तुम दोनों उस घर में वापस रहने लगे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा पागलपन है मुझे लेकर। ज़ैनब, तुम अपने भाई की बहन कहलाने लायक नहीं हो। तुम हमेशा खतरनाक रास्ते चुनती हो और अब तुमने ये रास्ता चुन लिया है। ऐसा मत करो, तुम समझी? तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम मेरे भाई की पत्नी हो। मुझे खुद पर गर्व है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पास बस एक ही मौका था। अब ज़ैनब, मुझे ये बताओ, तुम अबॉर्शन क्यों करवाना चाहती थी? तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। अगर तुम ओज़ान को छोड़ भी देती तो भी तुम उस बच्चे को नहीं छोड़ोगी, क्योंकि जब तक तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं मिल जाता, तुम्हारा बच्चा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो तुमने ऐसा करने की कोशिश क्यों की? एमिर, ज़ैनब तुम्हारे लिए चुप रहने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है? मुझे तुम्हारा सवाल पता है, पर ज़ैनब इस बार हर तरफ से फंस गई है। मुझे खुशी है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं बल्कि मेरी पत्नी हो। बस बहुत हुआ, मुझे अकेला छोड़ दो। एक एक करके तुम लोग मेरे पास मत आओ। अगर मैं ओज़ान के साथ फिर से आई तो वो तुम्हारी वजह से नहीं होगा। डार्लिंग, सच कहूं तो तुम्हारा जवाब नहीं है। चीजें सुलझाने में तुम माहिर हो। अब से सबको अपने कदम ध्यान से रखने चाहिए। मैंने अपने भाई के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं किसी और को उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुझे लगता है ऊपर वाले ने भाई का प्यार मुझसे छीनकर तुम्हें दे दिया है। लैला, आप कहाँ पर हैं? मैं कंपनी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हमारी आंसू के साथ मीटिंग है, याद है? लैला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। मैं अभी वहां पहुंची हूँ। ठीक है। किस्मत तुम्हें मेरी ओर धकेल रही है, मैं भी ऑफिस ही जा रहा था। तुम अभी तक गए नहीं? तुमने वो सब चीजें क्यों कही बानो?
मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। बानो तुम मुझसे इस तरह मुंह नहीं फेर सकती। चलो हमें इस बारे में बात करनी होगी बानो। बात करने जैसा कुछ नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो तारिक। तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना ये सब कुछ बहुत हो रहा है, मुझे थोड़ी शांति चाहिए, परेशान मत करो। बानो मुझे पागल मत समझो, तुम बताओ मुझे क्या हुआ है आखिर में। वेल तुम मुझे बताओ ना, जब से तुम पेरेंट्स से मिलकर आए हो तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बात मत बदलो और बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है बताओ प्लीज मुझे। चलो जल्दी बताओ मुझे। कल तुम्हारी माँ कंपनी में आई थी, तुम्हें देखकर लग रहा है कल जो उन्होंने मुझसे कहा वही तुमसे भी कहा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बातें मत बनाओ, मुझे पता चल गया है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं बानो, तुम मेरे लिए ही बनी हो और मैंने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। कैसा डिसीजन? क्या तुम मुझसे शादी करोगी बानो? ये ऐसे भी हो सकता है पर ये भी ठीक है, वहां तो गर्मी आने वाली है। मुझे माफ कर दीजिएगा, आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था। क्या हुआ? मैं आपको बाद में बताती हूँ। क्या हम काम शुरू करें? शुरू करने से पहले क्या मैं एक फोन कॉल कर लूँ? जरूर। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? आपको पता है आज एमिर का एक ब्लैकमेलर मारा गया है। तुम क्या कह रही हो? और फिर एमिर ने हजार बार कसम खाई कि वो अपने भाई को मार देगा। वो उसे सभी जगह पर ढूंढ रहा है। अभी ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ। केमाल की कार को किसी ने कुचल दिया आज। हे ऊपर वाले, केमाल कैसा है? ऊपर वाले का शुक्र है कि वो कार में नहीं था, अगली बार वो कार में हो सकता है। और ये सब आज हुआ? लीला मुझे केमाल से बात करनी होगी। नहीं निहान, तुम लोगों को करीब नहीं आना चाहिए। लीला प्लीज कोई एक्सक्यूज बनाइए और उसे इनवाइट कीजिए प्लीज। ओ निहान, हाँ बोलिए लीला। स्वीट हार्ट तुम्हें पता है हम आगे के इवेंट्स के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, क्या तुम कंपनी आ सकते हो? दरअसल लैला मैं कोस्गो होल्डिंग की ओर निकल चुका हूँ, मुझे वहाँ कुछ काम है, आज काम खत्म करके आता हूँ आपके पास। ठीक है डियर, मिलते हैं। थैंक यू। क्या पता चला? पता है कि गन बिना लाइसेंस की थी, कोई पागल ही होगा जो इस तरह की गलती करेगा। क्या तुम्हें नजीब के फोन से कुछ मिला? क्या तुम डिलीटेड मैसेजेस देखे? ठीक है जल्दी करो, इंतजार कर रहा हूं। बोलो क्या है? मैं बस सोच रहा था सर कि आपको मेरी जरूरत है या नहीं। ऐसी बात नहीं है तूफान, वैसे मेरे बारे में इतना सोचने के लिए शुक्रिया, पर मुझे जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। वक्त हो गया मैंने तुम्हें कोई काम नहीं दिया, क्या तुम कोई काम करना चाहोगे? हाँ मिस्टर अमीर, कहिए ना। तूफान का पीछा करो। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं पर शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसका पीछा करो। जरूर सर। चाहे ऑफिस हो या बाहर, तूफान पर पूरी नजर रखना, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब छुप कर करना होगा। आप चिंता मत कीजिए सर।
उसे क्या चाहिए? कुछ काम है उसे, तो मुझे अब जाना होगा बानो। क्या तुम अभी अच्छा महसूस कर रही हो? तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। वेल, तुम्हें अभी जरूरी काम है और ये बात हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। पर मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है। मेरा मतलब है कि तुम्हें पता है तुम हाँ कहोगी या नहीं, तुम्हारा मन क्या कह रहा है। तारिक, मेरी ओपिनियन की कोई कीमत नहीं है। मुझसे शादी करके तुम फैमिली से अलग नहीं हो सकते, वो हमेशा तुम्हारी प्रायोरिटी रहेंगे। तुम खुद को इतना परेशान मत करो, तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे, बस इतना काफी है अभी के लिए, और तुम देखना वो समझ जाएंगे। चलो अब थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक है? और जवाब के बारे में इतना मत सोचना तुम, ठीक है? ऑफ कोर्स। कंग्रेचुलेशंस, तारिक मुझसे शादी करना चाहता है। क्या बात है, क्या तुम मुझे अपना ब्राइड्समेड बनाओगी? एमिर, मजाक मत करो। मुझे ये बताओ तुमने उससे क्या कहा? तुम बानू एक्मेरिक, क्या तुम तारिक सोयदेर को अपना पति मानती हो? नहीं। तुम्हें अपना जवाब और सोच कर देना चाहिए। तुम ऐसे जोक शादी में नहीं कर सकती। अगर तुमने ना कहा तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, वो डील भी जो तुमने मेरे साथ की। मैं नहीं कर सकती, मैं तारिक की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। कैसे हो तूफान, क्या हम दोनों अकेले में कुछ देर बात कर सकते हैं? जरूर, बोलिए ना। तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? सबसे पहले तुम अपने बॉस को फोन लगाओ, मुझे एमिर कोस्गो के खिलाफ सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जो उसे जेल पहुंचा सके, और वो तुम दोगे मुझे। मेरे सिर्फ एक ही बॉस है मिस्टर केमाल, और वो मिस्टर एमिर है, आप जानते ही हैं। ये ड्रामा करना बंद कर दो मेरे मुझे साथ। समझ नहीं आ रहा है आप क्या बात कर रहे हैं मिस्टर केमाल। देखो, मुझे उस रात की फुटेज चाहिए, वो फुटेज जिससे मैं एमिर कोस्गो को आसानी से जेल भिजवा सकता हूँ, और ये तुम्हारे लिए भी फायदेमंद ही होगा। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और इसके अलावा अब मैं उस आदमी से नहीं मिलता हूँ, और अब मैं सिर्फ मिस्टर एमिर के लिए ही काम करता हूँ। तूफान, पता है आज एक आदमी मारा गया, और तुम ये भी जानते हो कि एमिर चुप नहीं बैठेगा, वो इस बात की तह तक जाएगा। वो तुम्हारे बॉस के करीब पहुंच चुका है, जब वो ढूंढ लेगा तो इसमें जो कोई भी शामिल है वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें, तुम्हारे बॉस को, एमिर कोस्गो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए, और इसलिए मुझे वो फुटेज चाहिए तूफान, वो फुटेज मुझे चाहिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मिस्टर केमाल, मेरा अभी इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे अच्छे से रिक्वेस्ट किया, और तुम हो कि मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बॉस को ढूंढना होगा, वो भी बहुत जल्द मिल ही जाएंगे। और हाँ, अपने बॉस से कह देना वो प्रार्थना करे कि मुझसे पहले उनके पास एमिर कोस्गो ना पहुंच जाए। जैसा कि हमने सोचा था वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा, तो अब हमें प्लान बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें नजीफ के भाई को ढूंढना होगा।
माँ, माय डियर, तुमने मुझे डरा ही दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो भाई से मिलने आई थी, क्या मैं नहीं आ सकती? बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है इसलिए मैंने कहा। वो भी आ जाएंगे, मैंने उन्हें बता दिया था। उन्होंने कहा तुम घर जाओ और जो अच्छा लगे वो करो। हाय, कितनी अच्छी बात है, तुम अपने भाई से कितना प्यार करती हो इसीलिए उससे मिलने आ जाती हो, अच्छी बात है। हाँ, मैंने बीन्स बनाए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, इसीलिए केमाल के लिए ले आई। हाँ माँ, आपने अच्छा किया। देख, उसके लिए बेडशीट भी लाई हूँ, उसके कमरे में रख देती हूँ। ये आप मुझे दे दीजिए, मैं कर दूंगी। आप ऐसा कीजिए, खाना फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है? छोड़ो, तुम तो इसे खराब कर दोगी। लाओ मैं रखाऊं, हटो, जाने दो मुझे। हेलो हेलो माय डियर। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। ज़ेनब, ये सब क्या है? तुम्हारा सूटकेस यहाँ क्या कर रहा है? बताओ मुझे, तुम यहाँ सिर्फ मिलने आई हो या हमेशा के लिए रहने आ गई हो? जवाब दो। मैंने वो घर छोड़ दिया है। क्या? पर प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे खुद की बात रखने दीजिए। क्या बात रखोगी, ये तो साफ साफ दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है साफ साफ? ये सब विल्डान ने किया है ना, पता है मुझे, पता है। उसे इतनी भी शर्म नहीं कि तुम्हारे अंदर एक नन्ही जान पल रही है जो मन में आता है भगती है। हाँ माँ, हाँ, कसम से। मुझे उन लोगों ने तंग करके रखा है, मुझे लगा वो मेरी माँ जैसी है, पर मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। ओह मेरी प्यारी बच्ची, ओह मेरी नन्ही सी कली, मुझे पता था, मैं जानती थी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। ठीक है, भूल जाओ अब सब, चलो चलो। कहाँ चली? अरे माँ, मुझे उन सबको वापस नहीं देखना है, अब इन सबका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उसके दरवाजे पे ले जाऊंगी? कभी नहीं, चलो। क्या कहा? मैं तुम्हें अपने घर ले जा रही हूँ। नहीं माँ। नहीं मतलब क्या? मैं उन्हें तुम तक नहीं पहुंचने दूंगी, बस बहुत हो गया उनका तमाशा। इतनी आसानी से तो कभी नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को। मेरी बच्ची अकेली नहीं है, क्या समझते हैं वो, खुदा नहीं है? चलो अपना सामान बांधो, देखो जो भी इधर उधर पड़ा है, अब और देर मत करो, चलो। पर माँ, उफ। नखरे मत करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने शाम की पूरी थीम तो तैयार कर ली है, अब बस जगह चुननी है। वेलकम मिस्टर एमिर। प्लीज आप लोग अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अब तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो जाए, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी मौत हूँ। आप जो कह रही थी मिस आसू, कंटिन्यू कीजिए। शायद तुम कुछ कह रही थी ना? पर मैं नहीं चाहती ज्यादा खर्चा हो। हे ऊपर वाले, इस मीटिंग में तो सच में रुकावट आ गई, क्या हम थोड़ा ब्रेक ले? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम लोग ऐसे टॉपिक चेंज कर रही हो जैसे टीनेज लड़कियों का ग्रुप करता है। अच्छा है, वैसे तुम लोग क्या बातें कर रही थी? तुम जो जगह ढूंढोगे उससे हमारा आधा बजट चला जाएगा। मिस्टर एमिर अभी मीटिंग में है, मैं अभी फ्री हूँ, तुम कॉफी पीना चाहोगे मेरे साथ? सॉरी पेलिन, मुझे अभी थोड़ा सा काम है। ओके।
हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मैं एक पार्टी भी थ्रो कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, पर वो बढ़िया होनी चाहिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मिस आसू? कुछ नहीं। तो जगह को लेकर आपके दिमाग में कुछ नहीं है? पर आपने कुछ तो सोचा होगा इस प्लान को कैसे पूरा किया जा सकता है। जगह को अच्छी होने के लिए बड़ी होने की जरूरत नहीं है। वेलकम। निहान कह रही है वो छोटी होनी चाहिए और मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है अगर थोड़ी सी बड़ी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। जिस चीज को तुम छोटी मानते हो वो किसी के लिए बड़ी हो सकती है, जैसे कि किसी की जिंदगी। किसी इंसान की जिंदगी मेरे लिए छोटी नहीं है, पर कभी कभी कुछ लोगों के लिए मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। तुम्हें लोग छोटे दिखाई देते हैं जब तुम खुद को बड़ा समझते हो। मुझे नहीं पता था मिस्टर केमाल भी इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। क्या यह तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है? मैंने मिस्टर केमाल को बुलाया है पर मैं तुम्हारी परमिशन लेना भूल गई। मुझे यकीन नहीं होता मैंने ये कैसे कर दिया। दुर्भाग्य से इस सब में हम एक साथ काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से। तुम ठीक तो? थैंक्स। पास एक सजेशन है, अगर हम इसे छोटा और अच्छा रखना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ क्यों नहीं रख सकते? यहाँ इस मीटिंग रूम में? हाँ बिल्कुल, उस कॉर्नर में। ओ गॉड, मेरा मतलब को जुगलू बिल्डिंग में। अगर स्टाफ को ये क्रिसमस पार्टी की तरह दिखेगा तो इसमें वो डेकोरेशन कहाँ से आएगा? मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगा। मैंने तुमसे कहा ना, जो जगह तुम ढूंढोगे उसमें हमारा आधा बजट चला जाएगा। प्रोजेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पैसे दूंगा। मैं फिर से कहती हूँ, मुझे इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। तो फिर तो तुम इस ऑफिस को भी यूज नहीं कर सकती निहान, क्योंकि ये पूरी कंपनी मेरे ही अंडर आती है। तुम वो डिनर यहाँ नहीं रख सकती, बात खत्म। तो क्यों ना इवेंट अपनी कंपनी में रखें केमल? अगर वो कंपनी तुम्हारे अंडर नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी कंपनी भी होस्ट बन सकती है, क्यों? वेल, अगर हम यहाँ नहीं रख सकते तो? हाँ ये अच्छा आइडिया है, मुझे भी यही लगता है। बाकी मैं एमिर से बात कर लेती हूँ। सॉरी पर ये अर्जेंट है। क्या हुआ? हॉस्पिटल में मीटिंग। तो क्या ये आदमी डॉक्टर है? हॉस्पिटल जा रहा हूँ, फिर सर्वेलेंस कैमरा चेक करूंगा, देखता हूँ कोई जान पहचान वाला मिलता है। बाकी सब मैं कर लूंगा, तुम मेरे फोन का इंतजार करना। आप कहाँ हैं सर? क्यों, क्या हुआ तूफान? वो मिस्टर रमेश सर हॉस्पिटल जा रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है वो कैमरा फुटेज चेक करने वाले हैं। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। आप मेरा डिसीजन जानते हैं, मुझसे दोबारा ना पूछे प्लीज। मैं हॉस्पिटल में नहीं रुकूंगा। मिस्टर हक्की, आपको यहाँ रुकना ही होगा, आपके पास ज्यादा दिन नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल से गए तो आप ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, इसीलिए तो मैं यहाँ नहीं रुक रहा हूँ। मैं अपने आखिरी दिन
यहाँ बिल्कुल नहीं गुजारना चाहता। मरने से पहले मुझे बहुत काम करने हैं। लैला, हम आपके उस एंटेक स्टोर वाले के पास कब जा सकते हैं? हमें उससे बात करनी होगी आज। मैंने उससे पहले ही बात कर ली है और तुम्हें जब चलना है चल लेंगे। मैं भी तुम्हें कुछ लोगों से मिला सकती हूँ अगर चाहो तो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी, हमें बहुत सी अच्छी पिक्चर्स प्रिंट करने को मिलेगी। जितना हो सके उतना डोनेशन इकट्ठा हो जाए। मिसेज आसू, हमें अभी मिलना होगा। ध्यान रहे तुम्हारा कोई पीछा ना कर रहा हो। मुझे लगता है सारी बातें हो गई हैं। आसू, तुम चाहो तो हमारे साथ एंटिक स्टोर चल सकती हो। आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। क्या हुआ, सब ठीक है? मेरी एक मीटिंग थी जिसके बारे में मैं भूल ही गई थी। मुझे इस मीटिंग के बारे में क्यों नहीं पता? मिस्टर केमाल, आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? जाने दीजिए उसे, वो आप ही के साथ तो रहेगी। मैं चलता हूँ डार्लिंग। अगर तुम वहाँ जाने के बाद मुझे इनवाइट करोगी तो मुझे खुशी होगी। सी यू। मैं अपने रूम में हूँ केमाल। अगर मीटिंग खत्म हो गई हो तो मैं भी इजाजत चाहूंगा। केमाल, मुझे पता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, पर हमें बात करनी होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे साथ ऐसा करना बंद करो, ठीक है? तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हो। मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही हूँ, समझे तुम? तुम डर गई थी कि मैं तुम्हारे भाई को जेल भिजवा दूंगा, है ना? क्या तुम ऐसा करोगे? तुम वाकई डरी हुई हो। तुम्हें पता है जब तुम ओजान को अथॉरिटीज को दोगे तो क्या होगा? नहीं पता, पर तुम्हें भी ये बात नहीं पता है। कोई भी नहीं जानता कि ओजान के साथ क्या होगा। क्या सबको तकलीफ नहीं होगी क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं होगी। ये क्या हो रहा है? क्या आप मेरी जगह लेना चाहते हैं मिस्टर गालिब? मैं अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देता। मैं सिर्फ उनकी जगह तब लेता हूँ जब वो एब्सेंट होते हैं। आइए। वाह, अगर दोस्तों के साथ ऐसा करते हैं तो दुश्मनों के साथ कैसा करते होंगे? मिसेस लैला, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उनको डरना चाहिए, मुझसे, आपसे, हम दोनों से। इससे आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब, आप ऑनडेर और विल्दान की जगह लेना चाहती है? अगर अभी भी आप ऐसा चाहती हैं तो मेरा मतलब है कि अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। हम एक साथ काम करते हैं और उन सीटों के असली मालिकों को वहां हम पहुंचा देते हैं। आप समझ रही हैं ना? मैं हमारे लिए कॉफी मंगवाती हूँ। ज़ेनेब, जरा आओ और मेरी मदद करो। ये लड़की भी ना, इसकी आदतें बिल्कुल बिगड़ गई हैं। कौन समझाए इसे, काम किए बिना भी गुजारा होता है। ज़ेनेब! उफ, आ रही हूँ। सेमा, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी, अभी तो सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। वेल, घर से निकलो और मुझसे मिलो। मैं आऊंगी, मैं वहाँ आऊंगी। पर तुम वहाँ पर होगी? ज़ेनेब, क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है? सिमा, मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है। मैं उन्हें नर्क की सैर कराऊंगी। मुझे निकालना उनके लिए आसान नहीं होगा। कहाँ रह गई थी तुम? 2 घंटे से बुला रही हूँ, अब कहाँ जा रही हो? माँ, मैं अभी थोड़ी डिप्रेस हूँ। मैं सेमा के साथ हवा खाने जा रही हूँ। तुम्हारे भाई के घर काफी ताजी हवा है, वहाँ डिप्रेशन नहीं होता था। छोड़ो ना माँ, प्लीज, एक कॉफी की तो अच्छा, बात चलो, है। चलो ठीक है, पर लेट मत करना, जल्दी आ जाना। ये तुम्हारे पति का घर नहीं है। ठीक है, ठीक है।
हेलो हुसैन, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? फहीमे, मुझे और टेंशन मत दो। अब मैं क्या करूं? तुम्हारी बेटी ने अपना घर छोड़ दिया है। क्या कहा? उसने घर छोड़ दिया? हाँ हुसैन, और पता है उसने क्या किया? उसने अपना सूटकेस उठाया और सीधे भाई के घर आ गई। मैं उसे वहाँ कैसे रहने देती? अब आकर तुम उससे इस बारे में बात करना, ठीक है? ठीक है ठीक है, तुम फोन रखो, मैं अभी आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ज़हीर, मेरे पास एक अच्छी खबर है। क्या हम करीब पहुंचे? लगता तो ऐसा ही है। ये क्या है? नजीफ के भाई का मंथली स्टेटमेंट। इससे पता चलता है कि उसे हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मिलते ही रहते हैं। पर हमें ये नहीं पता ना कि ये पैसे उसे कौन भेज रहा है। वेल, यही तो अच्छी बात है। हम जानते हैं ये कंपनी से आ रहे हैं, जिसका नाम है हरानली दाग नाम की कंपनी है, वहीं से पैसे आते हैं। हरानली दाग? मुझे नहीं पता किसकी कंपनी है ये। वेल, हम इसके मालिकों के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन या तो वो बाप बेटी हो सकते हैं या फिर वो चाचा भतीजी हो सकते हैं, लेकिन ये तो पता करना पड़ेगा। दिखाता हूं मिस्टर अमित, पर मैं आपको यहां ज्यादा देर नहीं रोक सकता। मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। ये वो आदमी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ये कुछ नहीं दिखा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा ये नहीं दिख रहा? ये उसी आदमी को ऑफिस से जाते हुए दिखा रहा है। चलो और दिखाओ वहां क्या हो रहा है, जल्दी करो। हमारे पास फुटेज नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे पास अंदर कैमरा नहीं है? है, लेकिन उसकी कोई फुटेज आर्चिव में नहीं है। उसने डिलीट कर दी। फुटेज डिलीट कर दी है, पर इन हाईटेक डिवाइसेस में से कुछ डिलीट नहीं होता है। तुम मेरे लिए फुटेज ढूंढोगे? ठीक है सर, आप जिस फुटेज में है मैंने वो डिलीट कर दी है। तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। मैंने कहा था ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं सर, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। चिंता मत करो, मैंने फुटेज डिलीट करवा दिया। अब जमीर को वहां कुछ नहीं मिलेगा, वो खाली हाथ लौटेगा।
मुझे बिल्कुल नहीं लगता सर। अगर मैं अमीर को अच्छे से जानता हूँ तो उन डिलीट की हुई रिकॉर्ड्स के पीछे जाएगा और उसे कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा और वो आपको उनमें देख लेगा। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है तुमने अपना दिमाग खो दिया है ज़ैनब। बिल्कुल खो दिया है। उन्होंने मुझे दिमाग खोने पर मजबूर किया। मैं वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। जो तुमने किया है वो तुम औजान को कैसे बता सकती हो? तुम्हारे साथ यहाँ कौन है सैमा? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे कह रही हूँ उन्होंने तुम्हारे दोस्त के साथ बुरा किया। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। किया है सैमा, उन्होंने मेरे साथ कचरे जैसा व्यवहार किया और अब उसे मैं खत्म करूंगी। क्या तुम्हें लगता है ये ठीक है? बल्कि ऐसा कुछ जो किसी ने कभी करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। अच्छा सुनो, मुझे अभी आइस कोल्ड लाटे चाहिए। मुझे अभी चाहिए, वो भी ठंडे दूध के साथ। मेरा मतलब इससे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। मतलब इसमें दूध होगा ना, कौन सी चीज अच्छी रहेगी? सीरियसली? सीरियसली? और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका मैसेज तो देख लो ज़ैनब। अरे सैमा प्लीज। सब इस घर में तुमसे एक एक करके माफी मांगेंगे, सबसे पहले मेरी माँ, मैं वादा करता हूँ। वो तो हम देख लेंगे बहुत जल्द। हाँ नजीफ मेरे पापा का एम्प्लॉय है। नजीफ बोझजाम? हाँ बोझजाम, मेरे पापा के लिए काम करता है। हाँ वो करता था पर फिर वो यहाँ से चला गया है ना। पापा के मरने के बाद हमने बिजनेस काफी कम कर दिया था तो काफी स्टाफ को निकाल दिया, पुरानी बात हो गई। पर उसने कभी फोन तो किया होगा है ना, मतलब उसने तुम्हारे लिए इतने साल तक काम किया है तो। मैं उसके ज्यादा क्लोज नहीं थी, मुझे नहीं पता यहाँ से जाने के बाद उसने कहाँ काम किया। देखिए अगर आपको कुछ भी पता चले तो ये मेरा कार्ड रखिए, मुझे कॉल करना, मेरे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे उम्मीद तो नहीं है पर मैं कर दूंगी। थैंक यू। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे लग रहा है हम उसके करीब पहुंच रहे हैं, चाहे ये लड़की कुछ भी कहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, कुछ हुआ है? मैंने सोचा आपको बता दूं। केमाल सोएट्रे नाम का आदमी आया था। उसने क्या पूछा? नजीफ के बारे में पूछ रहे थे। वो उस तक हमारे पेमेंट से पहुंचे। मैंने कह दिया मैं नहीं जानती। थैंक यू।
मैं लेट हूँ, पर मुझे कोई फॉलो कर रहा था। एमिर, उसे मुझ पर शक हो गया है, फिर से पुराने सवाल वापस आ रहे हैं। उसने तारिक को मुझे फॉलो करने के लिए लगाया है। आसू, आसू तुम खतरे में हो। एमिर तुम्हारे तक पहुंचता जा रहा है और वो बिल्कुल भी रुकने नहीं वाला है। पता है तुम्हें, आज वो हॉस्पिटल में वीडियो फुटेज तक पहुंच ही गया था, लेकिन मिस्टर हक्की ने डिलीट करवा दिया। वो डिलीट किए फुटेज तक पहुंच ही जाएगा, फिर मिस्टर हक्की और फिर तुम। तो हम क्या करें? तुम इसे खत्म कर सकती हो। कैसे? कमाल आज मेरे पास आया था, उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है। आंसू, किस बारे में? आंसू मेरी बात ध्यान से सुनो, एमिर और कमाल हम तक पहुंचने ही वाले, अंत में कोई ना कोई हम तक पहुंच जाएगा। कमाल हमसे हमारे सबूत मांग रहा है। तुम इसे खत्म कर सकती हो आंसू, तुम कमाल को वो दे सकती हो। जरा सोचो उसके बारे में प्लीज, और एमिर को उसकी सजा मिलेगी और तुम सेफ रहोगी। आंसू मैं अंकल को बताती हूँ। तुम्हारे अंकल ये नहीं होने देंगे। वो तुम्हें तुम्हारे गोल से नहीं हटने देंगे। आंसू मेरी बात समझो, अगर तुम ये करोगी तो हमें एक साथ रहना होगा। हम कमाल को फुटेज देंगे और हम इस चीज को यही खत्म कर देंगे, समझे तुम? इसी तरह से ये पक्का होगा और इसी तरह से तुम हमेशा के लिए सेफ रहोगी। अब तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो जाए, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी मौत हूँ। तो क्या कहती हो वासु? ये डर मुझे डिसाइड नहीं करने देगा, मुझे बस यही पता है। जैनब मेरे बच्चे के साथ ये घर छोड़कर चली गई। मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद भी उसने मुझे छोड़ दिया और मेरा परिवार उसे वापस लाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। आप लोग तो ये भी जानना नहीं चाहते कि वो गई क्यों? ये सच में एक फैमिली है या फिर मजाक है? क्या कर सकते हैं उजान, सारा काम छोड़कर इमरजेंसी घोषित करते हैं क्योंकि तुम्हारी पत्नी हर बार की तरह घर छोड़कर गई है। अगर वो छोड़ना चाहती है तो उसकी पसंद है। मुझे लगता है तुम्हें उसके फैसले से काफी अच्छा लग रहा है। ओजान, मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ को बातचीत करनी नहीं आती, वो हमारी माफी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, और हम क्या करें, सुबह शाम उसकी पूजा करते रहे। हाँ, हफ्ते के सातों दिन उसे चांटा तो जरूर मार सकते हैं। ओजान, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। तुमने सिर्फ ये नहीं किया, शायद ओजान उस बारे में कह रहा है कि तुम उस लड़की को वो लड़की कहाँ है करके बुलाती हो, या जैसे तुमने ज़ैनब को इस परिवार से अलग करने की कोशिश की है। मैं सही कह रहा हूँ ना विल्दान? देखिए, आप सबको उससे माफी मांगनी पड़ेगी, आपको मेरे लिए करना ही होगा। डार्लिंग, ज़ैनब को घर वापस लाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस सब में मैं क्या सोचता हूँ वो मायने नहीं रखता, या फिर यूं कहूं कि मुझे परवाह नहीं। आमिर, माफी तो तुम्हें भी मांगनी पड़ेगी। ज़ैनब ये घर सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ के गई है। मुझे नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसी चीज के लिए क्यों माफी मांगूंगा जो मैंने की ही नहीं। मैं तो इस घर में सिर्फ एक मेहमान हूं, वो तुम्हारी पत्नी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, समझे? तुम्हें क्या लगता है, अगर हम सब उसके लिए प्यार के गाने गाएंगे तो वो वापस आ जाएगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा और क्या करना चाहिए। ओजान सुनो, हम कुछ भी करेंगे तुम्हारे लिए, ज़ैनब के लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए भी, हम कुछ भी करेंगे ओजान, पर यहाँ इससे भी कुछ जरूरी है। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? जहां तक मैं देख रहा हूं मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ज़ैनब को तो खुद से ही प्रॉब्लम होती है। वैसे मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं हूं। निहान, तुम क्यों नहीं कुछ कह रही हो? क्योंकि तुम्हारी यही शर्त है कि मैं मुंह खोलूं तो सिर्फ माफी मांगने के लिए, पर जो हमें चाहिए वो है ट्रांसपेरेंसी। मेरा मतलब शायद ज़ैनब हमारे साथ इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है।
वो हमें खुद पर भरोसा नहीं दिलवा पाई है। शायद उसे हमें समझना चाहिए, या फिर मैं ज़ैनब या किसी से भी कोई माफी नहीं मांगूंगी। ये सब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और इस चीज के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली हूँ, मैं बोल रही हूँ। डिप्रेस होकर भाग जाना हमेशा काम नहीं करता। बस बहुत हो गया, ज़ैनब को इस घर में वापस लेके आइए। बस आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? क्या आप लोग मुझे खुश देखना नहीं चाहते हैं? तुम ये क्या बात कर रहे हो सान? अरे ज़ैनब कैसी हो तुम? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ उजान, मैं यही हूँ दरवाजे के बाहर। हाँ तो बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ ना, अंदर आ जाओ, सारी फैमिली यहीं पे है। नहीं मैं नहीं आऊंगी, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा अच्छा, एक काम करो तुम वहीं रुको, मैं बाहर आता हूँ। ओजान तुम कहाँ जा रहे हो? आपको क्या लगता है, आपके बेटे को तो लगता है कि हम सब मिलकर माफी मांगेंगे तो उसकी शादी बच जाएगी, और आपकी बहू ये क्या बेकार का हाई स्कूल ड्रामा कर रही है, खुद को बेचारी दिखाने के लिए दरवाजे तक आ गई। ज़ैनब तुम ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाती ना। मैंने अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से समझा दिया है कि अब कोई भी तुमसे बदतमीजी नहीं करेगा। चलो ज़ैनब अपने घर चलो। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए उजान। ये तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर ये सब और नहीं चल सकता। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ज़ैनब कि ये सलूशन नहीं है, हम मिलके सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे। कहीं कहीं इसीलिए तो तुम अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी? तुमने सोच लिया था तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं डिवोर्स नहीं चाहती पर तुम्हारे परिवार ने जो मेरे साथ किया उस सबसे मैं ये करने पर मजबूर हुई। देखो ज़ैनब, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज अपनी ज़बान पे ये शब्द दोबारा मत लाना। ओजान, जब मैंने तुमसे शादी की थी तो मेरे बहुत सपने थे और अब देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं, और हम दोनों ने कितना कुछ सहा है, और तुम्हारी माँ ने तो ये तक कह दिया कि ये बच्चा सालेह का है। वो लोग वो सब कर रहे हैं जिससे हमारा डिवोर्स हो जाए। उजान, तुम्हारी माँ और बहन पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर तुम्हें पता होता कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं तो। निहान ने तुमसे ऐसा क्या कहा? कि वो नहीं चाहती कि मैं वापस आऊँ। तुम देख रहे हो मैं यहाँ सेफ फील नहीं करती हूँ। मैं इस सच को मान लूंगी बजाय इसके कि मैं ऐसे घर में रहूं कि जहां से मुझे कभी भी निकाला जा सकता है। मुझे ये करना होगा चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ से गुजरना पड़े। ओसान, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूं, हम एक साथ नहीं रह सकते। नहीं 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 नहीं, ये डिवोर्स मुझे मंजूर नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो ज़ैनब। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एक रास्ता है पर पता नहीं तुम्हें कैसे बताऊं। मुझे नहीं पता मैं ये तुमसे कैसे पूछूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताओ ना मुझे ज़ैनब, मैं वो हर तरीका अपनाने को तैयार हूँ। बताओ वो एक रास्ता क्या है ज़ैनब? मैं आज लॉयर से मिलने गई थी, वो डिवोर्स के पेपर्स लाने के लिए। शुक्र है वो बहुत अच्छा आदमी था, मैंने उसे सब कुछ बताया और उसने मुझे एक सजेशन भी दिया है। क्या सजेशन दिया? मेरा मतलब मुझे इससे फील करवाने के लिए एक सजेशन। हाँ तो बताओ तो क्या बोला? ये क्या है? एक प्रीनप अग्रीमेंट। और उसके लिए तुम्हें यहाँ साइन करना होगा। मेरा मतलब उसने इसमें कुछ चीजें लिखी और मुझे दे दिया। अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ी तो, मेरा मतलब अगर मुझे मेरे बच्चे के साथ सड़क पर फेंक दिया गया, किसी झूठ के बारे में मुझसे बोला गया,
कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ओजान, यही तो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मुझे यहाँ सेफ फील नहीं होता तो मैं ये शादी देर होने से पहले खत्म कर देती। इसके बारे में सोचना, या फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। इस जिंदगी में तो यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तुम मुझे अपना डिसीजन बता देना। I love you. क्या हुआ ओजान? ज़ेनिफ ने तुमसे क्या कहा? तुम ठीक तो हो ना ओजान? मुझे लगता है आपकी बहू इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझसे ऐसे ही बात करने आई थी। क्या हुआ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? क्यों, तुमने ऐसा कुछ किया है क्या जिसके बारे में वो मुझे बताए? ओजान, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा शांत होने की जरूरत है। तुम्हें यहाँ किसी के भी सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। सही कह रहे हो, इस वक्त यही करना सही होगा। मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब मत करना। मुझे पता है तुम नाराज हो, तुम शायद उसी बारे में सोच रही हो जो मेरी मां ने तुमसे कहा है। और जब मैंने भी तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया तो तुमने सोने का नाटक शुरू कर दिया। ऐसा ही है, पर यह मत भूलो कि तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है। मुझे पता है बानू की यहां गलत कौन है। मेरा मतलब, इतने सालों बाद मैं खुद को तुम्हारे साथ पूरा महसूस कर रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं। बानू, मेरे दिल ने कभी आसान जिंदगी नहीं देखी है। अगर मैं तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रहना चाहता हूं तो इसमें हर्ज ही क्या है? मुझे वहां ले चलो। मुझे पता है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बानू। रोज सुबह हम यही सोचेंगे कि हम एक दूसरे से कैसे और कितना प्यार करेंगे। बानो, मेरा मतलब है कि तुम्हें मुझे पता है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझसे शादी कर लो बानो। मैं जिस तरह से तुमसे प्यार करता हूं, मैं और किसी से नहीं कर सकता। मैं
से शादी कर लो। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरी पत्नी बन जाओ बानू, प्लीज। क्या ये हो सकता है? क्या तुम हां नहीं बोल सकती? हाँ, तुम सच में हाँ बोल रही हो? हाँ, सच में तुम हाँ बोल रही हो? हाँ। शुक्र है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम ना कहती तो सब कुछ कैंसिल हो जाता, वो डील भी जो हमारे बीच हुई थी। मैं नहीं कर सकती, मैं तारिक की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लवर को बता सकता हूँ कि तुम कॉस्कूल के लिए काम कर रही हो, और चाहे तो तुम्हें हायर कर सकता हूँ। एमिर प्लीज ऐसा मत करना, तारिक अभी थोड़ा ठीक हुआ है, उसे फिर से परेशान मत करो। और तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा, तुम पहले ये सोचो कि हमारी डील रहेगी या नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, जब तक मैं नहीं कहता कि तुम तारिक से अलग हो जाओ, तुम्हें ये नाटक करना पड़ेगा, तुम्हें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट डार्लिंग, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पता नहीं ज़ैनब की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। क्या हुआ, कोई बुरी खबर है? शायद मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर है। ये जरूर कुछ करने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारा सिबलिंग डिनर के समय सौंप दूंगा। मेरा दुश्मन। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी ऑफिस से बाहर है। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अभी। क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मुझे ये सब खत्म करना है। हम बात कर चुके हैं। नहीं, नहीं की। हमने अच्छे से बात नहीं की अभी तक। आप मुझे बस बहला रहे थे और हाथ से सब निकलता जा रहा है। बैठ जाओ। तुम करना क्या चाहती हो? केमाल हमारा पीछा कर रहा है, या तो एमिर या तो केमाल हमें जरूर ढूंढ लेगा। आपने भी तो कहा था कि वो हमारे करीब पहुंच रहे हैं, तो हम केमाल का साथ देते हैं। केमाल एमिर को अंदर करवा देगा, इस तरह हम सब जीत जाएंगे। एक तरफ एमिर को रोक देंगे और दूसरा एमिर से बदला भी ले लेंगे। एमिर जेल चला जाएगा और केमाल हमारा पीछा छोड़ देगा। हमें इसे खत्म करना होगा अंकल, अब पूरी तरह से। आपके पास सबूत है ना? आप उन्हें मुझे दे दो, मैं केमाल तक पहुंचा दूंगी। डर नहीं लगता कि केमाल निहान के पास चला जाएगा? नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसने उसे खो दिया है। इतना भरोसा मत करो। मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती कि केमाल और एमिर को पता चले कि मैं कौन हूँ। ये हद से बाहर जा रहा है, क्या आपको दिखता नहीं? बिल्कुल नहीं। आप गलती कर रहे हैं और मुझे भी खतरे में डाल रहे हैं। मुझे सब पता है, कम से कम महसूस करता हूँ। जहाँ भी डर और शक होता है तुम वहाँ कमजोर पड़ जाती हो। तुम्हें शर्मानी चाहिए, मैंने ये नहीं सिखाया तुम्हें।
आप को संभालो। कल से मैं उसी मजबूत आंसू को देखना चाहता हूं। तुम सही थे, मुझे मंजूर है। कब जाना है? आज रात को। जल्दी से तारिक को फोन करो और पता करो वो कहाँ है। ठीक है डैड। नहीं बिल्कुल नहीं, पर क्या आप उसे नहीं बताएंगे? बोलिए। कॉल करके पता लगा लो ना कहाँ है। नहीं नहीं अभी नहीं, रहने दो। और बताओ आसू कैसी है? अच्छी है माम, हमेशा जैसी। केमाल मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, वो सचमुच बहुत प्यारी लड़की है ना? तुम भी तो कुछ बोलो। क्या हुआ? आसू थोड़ी अलग है, मतलब अच्छी है। एक काम करो, तुम जाकर सो जाओ, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। जाओ तुम सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लाती हूँ। माँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। पक्का ना ज़ैनब, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ भाई, मैं क्यों बुरा महसूस करूँगी? बुरा तो उन्हें लगना चाहिए अपने बच्चों के लिए। ऐसा मत कहो मेरी बच्ची, किसी को भी अपने बच्चों के लिए बुरा ना लगे। और तुम्हें पता है ये सब ऐसे नहीं चल सकता, तुमने उससे अपनी मर्जी से शादी की है। जरा सी बात पर तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ऐसे अपने भाई के घर आकर बैठना ठीक नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम छुट्टियां लेकर यहाँ आ जाओ। एक सेकंड अभी है। तुम अपना घर इस तरह से नहीं छोड़ सकती, तुम दोनों का बच्चा होने वाला है। तुम जब मन चाहो उस घर को छोड़कर नहीं आ सकती हो। इस तरह किसी का भी भला नहीं होगा। बिल्कुल, मैंने भी यही कहा। मैंने कहा कि मैं डिवोर्स ले लूंगी। हाँ बोलो तूफान। मिस्टर केमाल, मैंने आपका मैसेज दे दिया है। तुम्हारे बॉस को? हाँ बॉस को। क्या कहा उन्होंने? आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने। हम आपको वो सबूत दे देंगे जो आपको चाहिए, लेकिन एक शर्त है मिस्टर केमाल। इसके बाद आप सबका पीछा छोड़ देंगे और आप मुझसे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और मेरे बॉस ने ये भी कहा है कि आपको इसके बारे में आखिरी बार वो डिटेल्स दे रहे हैं। इतनी सारी शर्त किस लिए रख रहे हो? तो मिस्टर केमाल क्या आप वादा करते हैं? वादा रहा, पर कब दोगे? मेरे कॉल का इंतजार कीजिए। काश तुम कभी वापस ना आओ। तुम्हें क्या लगता है शादी कोई खेल है? मैंने तुमसे पूछा था क्या होने वाला है। ये कह रही है डिवोर्स लेगी। मैंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो, मेरा मतलब अगर वो मेरी शर्तें नहीं मानेंगे तो। ज़ैनब तुम्हारी क्या शर्तें हैं, जरा मैं भी सुनना चाहूंगा। हाँ बताओ क्या है। मुझे
एक ऐसा पति चाहिए जो मेरे और हमारी शादी के साथ खड़ा हो। मेरा मतलब हमारा बच्चा होने वाला है और आप सोचिए। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। ज़ैनब, मैंने वॉर्न किया था, कहा था तुमसे उस घर को छोड़ दो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम तुम्हारे और हमारे साथ क्या कर रही हो ज़ैनब? मुझे दिख रहा है, मैं भी सोच रही हूँ, पर मुझे और भी चीज़ों के बारे में सोचना है। मेरा मतलब कोई आगे का कुछ नहीं बता सकता। मैंने आपसे कहा था अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं डिवोर्स लूँगी। अंत में तो यही होना है ज़ैनब। कभी तुम आकर कहती हो कि उससे प्यार करती हो और दूसरी तरफ ये। मैं तुमसे हमेशा एक ही चीज पूछता हूँ ज़ैनब, क्या तुम वहां खुश हो? मैंने तुमसे कई बार पूछा कि क्या तुम्हें उस पर यकीन है? क्या तुम्हें शादी कोई खेल लगता है? मैंने तुम्हें बताया था कि शादी के बाद क्या होगा, दिक्कत क्या है? मेरा मतलब उज़ान एक अच्छा लड़का है पापा, मैं उज़ान से प्यार करती हूँ। पर क्या तुम खुश हो ज़ैनब? उज़ान के साथ हाँ। जवाब मिल गया, सुन लिया आपने? जब भी तुम्हारी उज़ान से लड़ाई हो तो तुम्हें वो घर नहीं छोड़ना चाहिए। देखो ज़ैनब, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर यहाँ पर आ जाती हो। ज़ैनब, तुम्हारा भाई केमाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारे बच्चे का भरोसा शादी से उड़ जाएगा और तुम पर से भी उड़ जाएगा। क्या तुम एक बिना बाप के बच्चे को पालना चाहती हो? बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है तो माँ बाप दोनों का एक साथ होना जरूरी है। ज़ैनब, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं ज़ैनब, अगर तुम दुखी हो तो डिवोर्स ले लो, हम तुम्हारे बच्चे को पाल लेंगे। पर तुम ये सब मत किया करो प्लीज, अच्छे से सोच लो, क्योंकि आखिरी फैसला तुम्हारा होगा ज़ैनब। तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हो जाते हैं। आज रात फिर ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हाँ, क्या इस घर के अंदर हम कोई कानून पास करने वाले हैं? क्या तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है? ज़ैनब, मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन पता है कि इसकी उज़ान या फिर उसके माँ से या बहन से लड़ाई हुई है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम हमारी बेइज्जती करने के लिए आए हो यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सबको एक साथ इकट्ठा करने वाला था, ये बहुत अच्छा है। मैं शादी करने जा रहा हूँ। क्या? क्या? पर किसके साथ कर रहे हो? बानू। मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम अगर तुमने उससे शादी की तो। फेमस, शांत हो जाओ। मॉम, ऐसा मत बोलिए, सबको अपना रास्ता चुनने का हक है। क्यों जाने दूं? मैं नहीं जाने दूंगी। जानते भी हो तुम उस लड़की के बारे में। प्लीज बताने की तकलीफ मत करो, मुझे पता है कि आप उसके ऑफिस गई थी और उसे डांटा आपने। अच्छा किया था मैंने। क्या पापा आपको इसके बारे में पता था? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, सच में शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपनी हद में रहो तारिक, अपने बड़ों से इस तरह से बात करते हैं? तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो आपको अगर पसंद हो या ना हो, मैं ये करने जा रहा हूँ। तारिक, आप लोग तैयार रहना क्योंकि मेरी शादी जल्द ही होने वाली है। मैंने अपनी बात कह दी, मैं उस शादी में नहीं आऊंगी जहाँ तुम एमिर के एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे हो। इसमें आप ही का नुकसान है माँ। ज़बान को संभालो। मेरा नुकसान, यही कहा ना? तो होने दो, होने दो, हाँ, होने दो मेरा नुकसान, होने दो ना, होने दो, जाने दो। भाई सुनिए, रुकिए भाई, ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। क्या ना करूं मैं, बताओ क्या ना करूं मैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये लोग मेरी बात नहीं समझ रहे? मैं इनसे बता रहा हूँ कि मैं उस लड़की से कितना प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तुम देख नहीं पा रहे हो क्या? अब आपको मेरी बात समझ आ रही है? पता चल रहा होगा ये सब करना कितना मुश्किल है। मैं तुम जैसा नहीं हूं केमाल, मैं कोई बीच का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। जब तुमने ये किया तो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन मैं वैसा नहीं करने वाला। मैं भी कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढ रहा हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने किए की जिम्मेदारी ली है जो आप कभी नहीं कर पाए।
या शायद करना चाहते ही नहीं है। केमाल, और मैंने सोचा कि तुम मुझे समझते हो क्योंकि तुमने मेरा फैसला मान लिया। मैं आपको समझता हूँ भाई, मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने हमेशा आपको फॉलो किया। पर प्लीज आप अपने किए की जिम्मेदारी लीजिए। ये मत कहिए कि मैं उन्हें नहीं देखना चाहता, चाहे जो भी हो जाए, पर ये हमारा परिवार है भाई, और वो हमारे मॉम डैड हैं। मत कीजिए ऐसा भाई, मत कीजिए। मैं जैनब से भी यही कह रहा था, फैसला लेना एक चीज होती है और जिम्मेदारी लेना दूसरी चीज होती है। चलिए अंदर चलकर मॉम डैड को मनाइए, एक बार कोशिश तो कीजिए। वो बहुत टेंशन में है, जैनब की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, इस वजह से वो आपकी बात सुनके थोड़ा गुस्सा हो गए। हिम्मत मत हारो। सामने आओ मेरे भाई, सामने आओ। क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था तुम जो कर रही हो वो तुम देख नहीं पा रही। क्या तुम अपनी इस हरकत से जरा भी शर्मिंदा हो आसू? तुम मेरे नियमों के खिलाफ जा रही हो, मेरे ऑर्डर्स मानना कैसे बंद कर सकती हो? मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। चली जाओ, मैंने कहा जाओ। कुछ तो चल रहा है।
अगर तुमने कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं चेतावनी देती हूँ। क्या हुआ डार्लिंग? जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो बड़ा ही यंग फील करता हूँ। पर तुम नहीं हो। पर मैं जब हमारी पार्टनरशिप के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ी ही गुदगुदी सी महसूस होती है। तुम कितने सीधे साधे हो। मैं सोच रहा हूँ तुम तभी भी यही कहोगी जब हम ऑंडर और विल्डान को गद्दी से उतार देंगे, है ना? मैं भी यही सोच रही हूँ। क्या गालिब और लायला के बीच में कोई संबंध है? उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे तुम लेला को जानती नहीं। निहान, क्या तुम इधर उधर देखना बंद करोगी? ग्लास को इतनी जोर से दबाने से तुम्हारे हाथ में चोट लग सकती है। मुझे केमाल को लेकर कोई टेंशन नहीं है। मुझे परवाह है तो उस डोनेशन की जो हमें मिलने वाली है, और इस बात को मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूंगी। यास्मीन, यही तो मैं कहना चाहती हूँ। तुम कभी कभी बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हो तुम्हारे प्यार के लिए और तुम्हारे। कितनी बुरी बात है। जैसे ही मैंने प्यार की बात की तुम्हारे पति ने इसे खराब करने का रास्ता ढूंढ निकाला। क्या तुम वो किताब पढ़ रही हो, हाउ टू थ्रो शेड्स फॉर डमीज? ऑथोस, प्रोथोस और एरामिस यही हैं। तीनों मस्केटियर्स। क्या तुम पूरी रात मुझे ऐसे परेशान करते रहोगे? नहीं, मुझे और भी जरूरी काम है। मिस्टर हकी कहाँ हैं? उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाए। ओह, मैं प्रार्थना करती हूँ सब ठीक हो। जी जी, सब ठीक है। गुड। मिस्टर अमीर, कैसे हैं आप सर? ज़ैनब, मैं यहाँ ओज़ान के लिए आई हूँ ताकि लोग कोई बात ना बनाएं। तुम्हें पक्का पता है? हाँ ज़ैनब। तो तुम घर वापस आ जाओगी ना? आ रही हूं। अब पहले से ज्यादा सेफ फील हो रहा है। मुझे इस तरह के इवेंट्स कभी पसंद नहीं थे, पर ये कुछ अलग है। सच कहूं तो मैं तो सबसे घटिया आदमी के घटिया जगह पर आया हुआ हूं।
इतनी नेगेटिविटी मुझे कभी फील नहीं हुई। अगर ऐसी बात है तो आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। ओह, मैं तो भूल ही गया, आप लोगों को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। क्यों सही कहा ना, मुझे पता है मैं सही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। मिसेस नेहा, ये डोनेशंस हैं। देखिए। अरे सच में, जैसा कि सोचा था, एक भी एंटिक पीस नहीं बिका है अभी तक। परेशान मत हो, अभी रात खत्म नहीं हुई है। लेला प्लीज, क्या आपको नहीं दिख रहा, सब बर्बाद हो चुका है अब तक तो। हवा के साथ चलती रहो। क्या? मैं फिल्म की बात कर रही हूँ। रेट बटलर और स्कारलेट बिट के लिए एक साथ डांस करते हैं। और अब मैं और तुम आशरात के स्कारलेट्स बनेंगे। हम बिट के लिए डांस करेंगे चाहे कुछ भी हो। एक मिनट रुको। डियर गेस्ट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज की रात हमारे लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारे गोल के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। और डियर गेस्ट, जो डोनेशन आप लोगों ने दिया है, सॉरी पर उससे हमारी कोई ज़्यादा मदद नहीं हो पाएगी। तो हमने सोचा कि हम आपके लिए ये सब और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, तो हमें ये सोल्यूशन मिला। तो शर्त ये है कि जो भी मेरे और निहान के साथ डांस करना चाहता है वो इस बिडिंग में भाग ले सकता है। इसमें काफी मजा आएगा। और अभी से ये शुरू होता है। बहुत बढ़िया। ये बहुत शर्मनाक है। वेल, ऐसा लगता है आप लोग ये भी एंजॉय करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मैं बिड लगाती हूँ मिसेस नेहान के साथ डांस करने के लिए $20। मेरी बीवी के लिए $30। मेरी प्यारी बीवी के लिए $40। $60। मिस्टर केमाल, आप कितने दरिया दिल हैं। थैंक यू। तो फिर और दरिया दिली दिखाते हैं। $100। $120। $130। तुम ऊपर जाओ, एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर तुम्हारा पहला क्लू मिलेगा। जल्दी जाओ, देर मत करो। $140। मैं डांस $140 में मिस्टर केमाल को दे रही हूँ। मैंने दे दिया। ठीक है मिस्टर केमाल, अपने डांस के लिए यहाँ आ जाइए। मुझे कभी नहीं लगा था ऐसा होगा, सॉरी। Thank you.
मुझे ये डांस नहीं करना। मैंने तो सिर्फ डोनेशन देने के लिए पार्ट लिया था। पर अगर पॉसिबल हो तो मैं इनके साथ डांस करना चाहूंगा। कितना मजा आ रहा है ना हनी? माय डियर, तो फिर आज रात मुझे सबसे खूबसूरत लड़की मिलनी चाहिए। अब जो मिस लेला के साथ डांस करने का मौका चाहते हैं। ढाई लाख। ओह, फिर मैं ये बिट खुलने से पहले ही बंद कर रही हूँ। मिस लेला, हे ऊपर वाले, इससे बुरा क्या होगा? कौन है? अंकल का है। हाँ अंकल, कहिए। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए आंसू। हाँ बताइए ना। तुम्हें आर्काइव्स में से वो फाइल लानी होगी। आर्काइव में से? हाँ, मैं चाहता हूँ वो तुम मुझे भेजो। उस पर लिखा है अलाचन NYZ 2015 मीटिंग नोट्स। वो राइट कॉरिडोर में 11वें फाइल शेल्फ पर है। पर इस समय अंकल कैसे? प्लीज आंसू। ठीक है, मैं अभी असली को भेजती हूँ वहाँ पर। मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूँ। उसमें ऐसा कुछ है जो मैं नहीं चाहता असली को पता चले। वो धोखा भी दे सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलाता हूँ।
अगले स्टेप के लिए कॉरिडोर के आखिरी कमरे में जाओ। खेल क्यों खेल रहे हो? आर्काइव में जाओ, 11th शेल्फ के केस नंबर 8 पर। सब यहां नहीं होना चाहिए था, हमारे बीच में डील हुई थी ना। मैं ये चांस मिस नहीं कर सकता,
ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा केस है। ओजान विक्टिम है, आप उसे बचाइए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, इस सब के पीछे एमिर कॉस्को है। यहां ऐसा मत करो। मिस्टर ओजान, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। ओजान शांत हो जाओ। सॉरी, हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है। यू आर अंडर अरेस्ट। ओजान शांत रहो। आसू, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। लेफ्ट कॉरिडोर, 11th शेल्फ। क्या आप लोग हमें कुछ बताएंगे? सॉरी, पर आपको क्या लगता है आप क्या करना चाह रहे हैं? आपको जो कुछ भी जानना है उसके लिए पुलिस स्टेशन आइए। ओजान डियर, शांत हो जाओ। कोई गलत फहमी हुई है। ओजान शांत हो जाओ, यहाँ जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ओजान डियर शांत रहो। क्या मिस्टर एमिर इस पार्टी में नहीं आए? नहीं। एमिर को उसके किए की सजा मिलेगी और इसकी शुरुआत इस पार्टी से हो रही है। ओजान से शुरू हो रही है। क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी मौत बनकर आया हूं बहन।
कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने किया है? मुझे शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं, बेशक बस तुम एक हारे हुए आदमी हो। क्या इसीलिए तुम कहां पर रही हो? मेरे दिमाग में तुम्हारी एक बहादुर तस्वीर थी, मुझे लगा तुम लड़का हो। ऐ मेरे से और मत खींचो। हाँ वो मैं ही थी, मैं यही हूं, हमारी रगों में एक ही खून है। इतने वक्त तक तुम ये छुपाती रही, अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा और ये सब क्यों करती रही? वो क्या चीज है जिसकी वजह से तुम मेरी दुश्मन बन गई? तुम एक अजनबी हो, मेरे लिए बदले का मतलब ही तुम हो। तुम जवाब नहीं हो, तुम रास्ता हो। गालिब कोस्कुग्लू ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और उनके लिए मुझसे बदला ले रही हो। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? क्या तुम कर पाओगी बच्ची? बताओ। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। या तो तुम एमिर को खत्म करोगे या वो तुम्हें। तुम मुसीबत में अपने आप को संभाल नहीं पाती। सच तो यह है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम मुझे मारना चाहती हो या नहीं। मैं ये कर सकती हूँ। तुम लग तो बहुत श्योर रही हो, पर तुम में मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है। चलो मान भी जाओ, तुम एक कॉस्कोल हो, तुम्हें उन्हें खत्म करना है जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उजान, उजान, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। प्लीज प्लीज ऑफिसर, पहले आप हमें सब कुछ बताइए। हमें निफ़ज़ात को फोन करना होगा, हमें निफ़ज़ात को फोन करना पापा होगा। मुझे दीजिए। पापा रुकिए। ज़ैनब भाई, मुझे जाना होगा, वो मेरा पति है। निफ़ज़ात अंकल, आपको यहाँ पर आना होगा, उन लोगों ने उजान को कस्टडी में लिया है, प्लीज जल्दी आइए। पर क्यों? तुम अपने रास्ते से भटक गई हो, पर मैं नहीं भटका हूं। मैं अपने इरादे पर मजबूत हूं। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। ओजान, तुम आजाद अपने घर ही सोओगे। ओजान शांत रहो बेटा, प्लीज, कोई गलत फहमी हुई है, शांत रहना प्लीज। ओजान, 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 तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करना। मेरे साथ रहना निहार। ओजान शांत हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ प्लीज। ओजान तो मानना पड़ेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए था कि तुम हर वक्त हर जगह कैसे पहुंच जाती थी। तुम ये सब अपने घमंड के कारण कभी नहीं देख पाए,
तुम हमेशा मेरे हाथ के नीचे ही रहोगे। मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि मुझे तुम पर दया आती है। मैंने तो मजाक में एक बार ये भी कहा था कि हमारी कितनी अच्छी जमती है, पर अब मजाक खत्म हो गया। कोई नहीं समझ पाएगा कि तुमने आज रात सुसाइड क्यों किया। हेलो मिस्टर एमिल। ये क्या हो रहा है? शांत हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे कंपनी के सारे लॉयर चाहिए, तुम्हें सुनाई दे रहा है? ये क्या कर रहे हो? हम आपको कस्टडी में ले रहे हैं। तुम जो कर रहे हो तुम्हें इसका बहुत अफसोस होगा। अफसोस आपको होगा, वो तो हम देखेंगे। इसने मुझे सच में धमकाया या फिर मुझे ऐसा लगा? नहीं, आप एमिर कोस्कोग्लू को क्यों ले जा रहे हैं? जल्द पता चल जाएगा। अगर तुम मुझे कहते तो मैं आ जाता। इस तरह ले जाने की कीमत चुकानी होगी। मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। इन्वेस्टिगेशन में तो अभी और पूछताछ होगी। अमिर, तुम इन लोगों को कुछ भी नहीं बताओगे जब तक कि लॉयर यहाँ नहीं आ जाते, ठीक है? सर, अब हम क्या करेंगे? जिस किसने भी ये करने की कोशिश की है उसे और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सर, बाकी हम सब लोग संभाल लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलती है। मुझे तुम्हारी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाइस, गाइस, देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जानना चाहते होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये एक छोटी सी गलतफहमी है और कुछ खास बात नहीं। केमाल, अब और लोग नहीं मरने चाहिए। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल सकता था। तुम इसकी कीमत चुकाओगे? सारे सच की कीमत चुकानी पड़ती है। हमें हमारी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। मैंने अपने भाई को इंसाफ के लिए अंदर करवा दिया। मैंने कोई गलती नहीं की है और आज भी मैंने वही किया। अब कोई और अमीर की वजह से नहीं मरेगा। मुझे सबूत ढूंढने के लिए किसी और की कब्र नहीं खोदनी पड़ेगी लैला। केमाल, ये सब क्या हो रहा है? अमीर को अपने किए की सजा मिल रही है। देखिए, ये एक छोटी सी गलत फहमी है और जैसे ये दूर होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है? चलो यहाँ से, तुम्हें मैसूद घर छोड़ देगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ये सब थोड़ा अजीब था, वैसे सब ठीक है। निहान को लगता है तुमने ये सब किया क्योंकि तुम उससे गुस्सा हो। आप जानती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है लैला। उसकी तरह मैं भी धीरे धीरे बुरे कामों में फंस रहा था। मुझे डर लग रहा है केमाल, और अब तो मुझे ज्यादा डर लग रहा है। तुम जो बन गए हो उससे मैं डरती हूँ। डरने जैसा कुछ भी नहीं है, आप डरिए मत। मैंने इससे भी ज्यादा मुश्किलें झेली हैं। निहान और मैं, हम दोनों ने मेरी कार पुलिस स्टेशन के सामने बर्बाद हो गई थी। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ। वो इतने में नहीं रुकेगा। वो रुकेगा लैला। पुलिस ये करने की कई सालों से कोशिश कर रही है, पर ये सिर्फ कानून की मदद से नहीं रुक सकता।
ये उनके लिए भी क्राइम है और हमारे लिए भी। ये बहुत बड़ा क्राइम है, आप समझ रही हैं लैला? हम ऐसे चुप नहीं रह सकते। हम ये साबित नहीं कर सकते कि आपको चाकू किसने मारा है, पर ये बता सकते हैं कि इसके पीछे कौन है। और ये बात हम दोनों जानते हैं कि मेरी डैड की शॉप को भी किसने बर्बाद की थी लैला। निहान को और रोजान को कैद करके किसने रखा? आपके नीस और नेफ्यू को अपने ही घर में, समझ रही हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? अब बहुत हो चुका है, अब सहन नहीं होता, बिल्कुल नहीं। क्या एमिर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उसकी सभी बातों को चुपचाप मानते रहें? बिल्कुल नहीं। एमिर को मैंने अरेस्ट करवा लिया, इस बात की मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, पर यह करना जरूरी था लैला। एमिर की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी क्योंकि मैं चुप बैठा था, हम सब चुप बैठे थे, आप समझ रही हैं? अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सच सबके सामने आ जाए, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। उन सबको एमिर से छुटकारा मिलेगा, वो सब विक्टिम्स, ये सच उन सबको आजाद कर देगा। किमाल, इतना सब होने के बाद अब तुम कहां जा रहे हो? जो शुरू हुआ है उसे अंजाम देने जा रहा हूं, हादसे की जगह पर। ये तुम्हारे करियर का सबसे बुरा दिन होगा। ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी बात है, क्योंकि तुमने मेरा सरप्राइज बर्बाद कर दिया, इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तुम इस रात के बारे में जल्द भूल जाओगे, हम मंजिल पर पहुंचकर किसी और रात के बारे में बात करेंगे। तुम्हारी मौत बनकर आया हूं बहन। अंकल ने मुझे धोखा दिया, एमिर जानता है मैं उसकी बहन हूँ। क्या आंसू, अब हम क्या करेंगे? अब हमें एमिर के करीब ही रहना होगा ताकि हम उसका ध्यान ना खींचे। मैं जानती हूँ, सबसे पहले तो ये अंकल को बिल्कुल नहीं बताना। मैं कुछ समझा नहीं। अभी मैं घर जा रही हूँ, मैं अपने अंकल से वही कहूंगी जो वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, कि एमिर अरेस्ट हो गया है। और फिर? फिर मैं एमिर से अपना बचाव करने के बारे में सोचूंगी। ओजान, शांत हो जाओ, हमने कुछ नहीं किया है। इन्हें अलग अलग कमरे में ले जाओ, मुझे पूछताछ करनी है। मुझे किसी को फोन करना है। कहां पर हो? मिर्ज़ात अंदर क्या हो रहा है यहां पे? हमें नहीं पता, वो हमें नहीं बता रहे हैं, वो हमें ओजान के पास नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूं क्या हो रहा है। आईडी आपके पास? मैं अपने क्लाइंट ओजान सैजिन से मिलना चाहता हूं। थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्या हो रहा है?
देखने दीजिए, अपने बच्चे के प्यार में एक इंसान क्या क्या कर सकता है। प्लीज देखिए, हम हमारे बच्चों से मिलना चाहते हैं। माफ कीजिए पर यह पॉसिबल नहीं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। ठीक है ठीक है। हाँ सर। मुझे नहीं पता क्यों पर मैंने तुम्हें कॉल किया। मिस्टर एमिर, सर लॉयर वहां पहुंचने वाले हैं, मिस्टर गालिब वहां ध्यान रख रहे हैं। मेरी बात सुनो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लॉयर की भी जरूरत नहीं है। तुम आंसू को अकेला मत छोड़ना। सर मैं कुछ समझा नहीं। सर यह समझना बहुत ही आसान है तूफान, तुम्हें आंसू पर नजर रखनी है जब तक कि मैं बाहर ना आ जाऊं। सर मुझे लगा कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है। मैं तुम्हारी शिकायत बाद में सुन लूंगा। ये कॉल पर कौन प्रोसिक्यूटर है? ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे फोन का इंतजार करना, मेरे फोन का इंतजार करो। चलो पॉन्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सोच रही हूँ ओजान अंदर कैसा होगा। नवजात अंदर गया है, हमें जल्दी पता चल जाएगा। थोड़ी देर रुक जाओ। ज़ेनब तुम ठीक तो हो ना? आपको लगता है केमाल भाई ने ये सब कुछ किया है? तुम्हें क्या लगता है ज़ेनब, क्या लगता है तुम्हें? आपने पार्टी में आकर ये सब क्यों किया? मुझे आपका इरादा अच्छी तरह पता है, क्योंकि आपका फायदा है इसमें। प्रेस जो आएगी, आपने मेरे साथ किया हुआ वादा तोड़ दिया। मैं करता भी तो क्या करता, इन्वेस्टिगेशन को टालना मुश्किल था। जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ओजान बेकसूर है। अगर आपको यकीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ओजान एक बच्चा है जिसे डराया और धमकाया गया था। आप ये भूलिएगा मत, ये सच है। वो अंदर है, तुम्हें पता है? मिर्ज़ा, वो ठीक है, ओजान ठीक है। देखो, तुम हमें साफ साफ कुछ बता सकते हो? मेरा मतलब है सबको पता तो हो। हाँ, हम जानते हैं ओजान इस सिचुएशन को संभाल नहीं सकता है। तो फिर ठीक है, यही रखते हैं कि अभी के लिए वो ठीक है। मैंने ओजान से बात की है, पर आपको भी कुछ बताना होगा। मुझे लगता है टाइम आ गया है कि हमें अंकल को सब कुछ बता देना चाहिए। ज़ेनब को सब पता है, हमें बताना ही होगा आपको। ठीक है, तो मैं सुन रहा हूं। हमें आमिर के लॉयर का बाहर आने का इंतजार करना चाहिए। अंदर उनके पास बहुत पक्के सबूत हैं। ये सिंपल कस्टडी प्रोसेस नहीं होगा। अभी ओजान और आमिर यहाँ पर मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए लाए गए हैं। सिचुएशन बहुत सीरियस है। और सबूत का क्या, उनके पास क्या सबूत है तुम्हें पता है? अभी तक तो नहीं। चलो थोड़ा और सोचते हैं, कुछ और प्रोसीजर हैं जो मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, फिलहाल मैं अंदर हूँ। ऑन्डर, अब हम क्या करेंगे? किसने सबूत दिए होंगे? विल्डन, मुझे नहीं पता। हम रुक कर देखते हैं, हमें पता चल ही जाएगा कि सबूत क्या है और किसने दिया है। आप
केमाल आ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया? ये जो हुआ सब मेरी वजह से हुआ। वो लोग विक्टिम्स हैं और आप भी। तुम्हारे चोट पहुंचाने की कोई भी लिमिट नहीं है, है ना केमाल? केमाल, केमाल, पुलिस को अपनी गवाही दे दो जैसे मैंने अपनी गवाही दी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ये सब कैसे कर सकते हो केमाल? कितने बुरे इंसान हो तुम। केमाल चले जाओ यहां से। केमाल यहां से चले जाओ। मुझसे बात करो तुम। तुम जानते हो कितने घटिया हो? जानते भी हो? मुझे सब कुछ पता है केमाल, तुमने गलत किया। मैं तुम्हें मार दूंगा। अंकल तुम्हें। कई लोग मर गए हैं समझे, और आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैंने उन्हें नहीं मारा। आप लोग ये भी जानते हैं कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, पर आप लोग चुप रहे। चुप रहकर आप लोग अपने बच्चे की जिंदगी नहीं बचा सकते, पर आप दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जाओ केमार, हमें हमारी मुश्किलों के साथ छोड़ दो। तुम यहां बिलोंग नहीं करते। ज़ैनब, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। सब लोग चुप ही रहेंगे। मुझे उस रात बेवकूफ बनाया गया। मुझे यह कह के गन दी गई कि वो खाली है। मुझे बेवकूफ बनाया गया। मैं उन लड़कियों से उस रात पहली बार मिला था। मुझसे पैसे ऐंठने के लिए कैरन ने जाल बिछाया था। उस लड़की को पैसे मिले थे। बताइए लिंडा कहाँ है? मुझे नहीं पता। इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी नहीं देना चाहता। तुम्हारी मर्जी। कैरन कहाँ है? वो मर चुकी है। कैरन का खून हुआ था, क्या तुम्हें ये नहीं पता? मुझे पता है। उसे किसने मारा? तूफान, क्या तुम यहां आ सकते हो? मिसेस निहान, क्या तुमने केमाल को सबूत दिए? मेरा मतलब तुम्हारे असली बॉस ने। मिसेस निहान, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। तूफान, मुझे सब कुछ पता है और तुम्हें भी पता है कि मुझे सब पता है। और क्या सच ये नहीं कि पहला क्लू तुमने ही मुझे दिया था? केमाल ने खुद तो कुछ भी नहीं ढूंढा है, मैं भी उसके साथ ही थी। मैं वही थी जब तुम्हारा बॉस हमारी मदद कर रहा था। तो अब मुझे बताओ, क्या तुमने ही दिए हैं? नहीं मैम, कसम से मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा मतलब है, अब तो बिल्कुल नहीं।
मैम, मैं बिग बॉस को नहीं जानता, पर हाँ मेरा उसके साथ कम्युनिकेशन था जो आपके सामने मारा गया। तूफान, तुम जानते हो ना एमिर तुम्हें मार देगा अगर तुम्हारा इससे कुछ लेना देना हुआ तो। नहीं मैम, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि मिस्टर एमिर और मिस्टर रोजान रिहा हो जाए। चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुमने ये किया भी है तो मेरी नजरों में दोषी नहीं हो। किमाल है जिसने ये जानबूझकर किया है। भाई ज़हीर, तुम हमारे आदमियों को तैयार करके जल्द से जल्द भेज दो लैला के पास और फिर हमारी शॉप पर। मॉम डैड को पता नहीं चलना चाहिए, वो पहले ही बहुत टेंशन में है। पर हुआ क्या है ज़ैनब? ओ ज़ैनब, वो ओजान के पास चली गई। देखो कमल भाई, मैं भी ज़ैनब को अपनी बहन की तरह ही मानता हूं। उसने पहले भी तो ये, पर इस बार चाहे कुछ भी हो जाए ज़हीर, चाहे जो हो जाए, उसे उस घर पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि निहान की वजह से। अब ये जंग और भयानक होगी और ज़ैनब भी उस घर में है, पर पहले निहान। निहान जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर वो एमिर, उसकी आंखें सब तरफ है। और उसके भाई, वो लोग भी तो उसी की तरफ होंगे, उनका क्या करेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरफ है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी सुरक्षा करूं। मैं नहीं रुकने वाला और अमीर भी नहीं रुकने वाला है। दोनों चाहकर भी नहीं रुक सकते, अभी तो शुरू हुआ है। इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा गहरी होगी, इससे पता चल जाएगा कि अमीर का इन सब मर्डर्स से लेना देना है, वो मर्डर्स जो मेरे भाई तारिक ने किए हैं। तुम्हें शायद लगता होगा, पर मैं ये जानता हूं कि तुम इतनी आसानी से इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। दिमाग से, मैं अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करूंगा। देखना, वो इस सबसे इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा। उसके पैसे, उसके कॉन्टैक्ट्स भी उसे बचा नहीं पाएंगे। सब कुछ इस तरह बाहर आना चाहिए कि वो उसे छुपा ना सके और वो किसी भी आदमी को खरीद ना सके, किसी को भी नहीं। और आमिर को कैसे रोकोगे? लोगों को इस बारे में पता लगाकर, सच लोगों तक पहुंचाकर। सिर्फ सच हमें जिताएगा, लोगों की ताकत के आगे आमिर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ।